आज के समय में क्रिकेट भारत का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, पर हमेशा से क्रिकेट भारतीयों का मन पसंदीदा खेल नहीं था। ये बड़ा बदलाव आया 1983 के वर्ल्ड कप के बाद, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। ऐसा करने में इंडिया का मार्गदर्शन करा था आज तक के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक कपिल देव ने। उस समय इनकी बल्लेबाजी ऐसी थी कि अच्छे से अच्छे बॉलर उनको फेस करने से डरते थे। बल्लेबाजी से और भी ज्यादा अच्छी थी उनकी गेंदबाजी, जिस वजह से उन्हें हरियाणा तूफान के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए उनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। 1947 में हुए भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले उनके माता पिता पाकिस्तान में रहते थे, पर बंटवारे के समय उन्होंने भारत में रहना चुना और वहीं उनके दो लड़कों का भी जन्म हुआ। इन्हीं में से एक कपिल थे। पंजाब के चंडीगढ़ शहर में 6 जनवरी 1959 को कपिल देव निकुंज का जन्म हुआ। पिता रामलाल निकुंज लकड़ी के व्यापारी थे और वहीं दूसरी ओर उनकी माँ का नाम था राजकुमारी। कपिल से बड़ी उनकी 4 बहनें भी हैं, जिनका जन्म पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में ही हुआ था। डीएवी स्कूल से पढ़ाई करने वाले कपिल को स्कूल के समय से ही स्पोर्ट्स में काफी रुचि रही है। यहीं से उन्होंने क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया था। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट एडवर्ड कॉलेज ज्वाइन करा, जहां उन्होंने क्रिकेट को और ज्यादा सीरियसली फॉलो करना शुरू कर दिया। उनका क्रिकेट टैलेंट किसी से छुपाए नहीं छुपा। उनके घर वालों ने उनका हुनर पहचान लिया था और इसीलिए उन्हें उनके पहले क्रिकेट कोच देश प्रेम आजाद के पास ले गए। इस समय पर कपिल देव अपना ज्यादा ध्यान बॉलिंग की ओर रखते थे और इसीलिए अपने कंधों को मजबूत करने के लिए वे लकड़ी की कटाई करते थे। उन्होंने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू करा हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलकर। इसी सीरीज में उन्होंने हर मैच में 4 विकेट के एवरेज से करीब 121 विकेट्स निकाले। डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ टूर्नामेंट्स खेलने के बाद ही उनके टैलेंट का फरमान इंडियन टीम के चयनकर्ताओं तक पहुंच गया था। कपिल के लिए उनकी विकेट्स की संख्या ही सेलेक्टर्स को उनकी प्रतिभा बताने के लिए काफी थी। 16 अक्टूबर 1978 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करा। कुछ ही समय के अंदर पूरे देश के सामने था एक बेहतरीन ऑलराउंडर, जिसने एक फास्ट बॉलर की कमी को बखूबी पूरा कर दिया था। और कुछ ही समय में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक भी लगाया, और वो भी उस समय की सबसे खतरनाक टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कपिल देव आज तक के ऐसे एक लौते प्लेयर रहे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन बनाने के साथ साथ 400 विकेट्स भी चटकाई हैं। उनके बाद न जाने कितने महान ऑलराउंडर्स आए, पर कोई भी उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ ना सका। जब 1982 में इंडियन टीम के कैप्टन सुनील गावस्कर को बाहर बैठना पड़ा था, तो उनकी टीम की कप्तानी संभाली थी कपिल देव ने। इसी के बाद वे इंडियन टीम के रेगुलर कैप्टन बन गए। अब इन सब के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती आई और वो थी 1983 का वर्ल्ड कप। यूं तो इसके पहले भी 2 बार वर्ल्ड कप हो चुके थे, जिनमें इंडिया सिर्फ एक ही मैच जीत सका था। अपने खराब प्रदर्शन की वजह से लोगों को भी इंडियन टीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, पर कपिल देव के लिए ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं था। उनके लिए ये था मिशन 83, और इसी मिशन को अंजाम देकर उन्होंने पूरी दुनिया को हक्का बक्का छोड़ दिया था, जब अपनी टीम के संग उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। उनके इंडियन क्रिकेट में योगदान की वजह से ही वे आज तक के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। दोस्तों, उनकी जिंदगी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करी जाए तो वो पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने किसी भी इंटरनेशनल मैच में शतक लगाया हो, और विजडन के द्वारा उनको क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का भी नाम दिया गया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो उन्होंने रोमी भाटिया नाम की एक लड़की से शादी करी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कपिल देव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हम अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएं, आप हमें कमेंट करके जरूर